कानपुर के सरयमिता में रहने वाले इंद्रपाल सिंह इन दिनों पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर। बता दें पूरा मामला पनकी थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया इलाके का, जहां पीड़ित द्वारा अपने ही मकान का निर्माण कराया जा रहा था। पीड़ित इंद्रपाल ने बताया अब वे अपने मकान का निर्माण करा रहे, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले श्याम सिंह सेंगर, बाबू सिंह, तेज प्रताप सिंह और अन्य लोगों ने घर के निर्माण कार्य रोकने का दबाव बनाया। जब इसका विरोध किया तो पुलिस को बुलाकर पीड़ित को थाने में बैठा दिया। इसके बाद घर में घुसकर पुलिस की मिलीभगत से ड्रिल मशीन से घर की पुरानी दीवार तोड़ दी। जब डायल 112 पहुंची तो काम रोका गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने फिर दीवार तोड़ने की कोशिश की, जिसका वीडियो पीड़ित परिवार ने बना लिया। और इसका विरोध किया तो लाइसेंस से रिवॉल्वर लहराते हुए भद्दी गालियां देते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली और बोला अगर कहीं भी शिकायत की और निर्माण कार्य कराया तो जान से मार डालेंगे। इसके बाद से पीड़ित परिवार डरा और सहमा, जिसको लेकर पीड़ित परिवार दर दर की भटकने को मजबूर। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। क्या घटना हुई आपके? घटना हुई हमारे पास कि हम अपना पुराना मकान बनवा रहे थे। हाँ। पुराना मकान तो हम तब तो विपक्षी आए और बोला काम रुकवा दो, और फिर पुलिस हमको थाने ले गई। थाने में हमको मतलब बैठाने रही, हमारा चालान कर दिया और ड्रिल मशीन से हमारा मकान तोड़ दिया गया। कोई सुनवाई पुलिस नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से लेके हम DM के यहाँ, SDM के यहाँ, चौकी, थाने, लखनऊ, सभी जगह गए, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि वो पानी बंद कराया जाए और हमको मतलब गंदगी से निजात दिलाई जाए। नाम नैन्सी सिंह है। हमारे घर में हमारा मकान बन रहा था, 2 महीने से हमारा मकान बन रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने जो विरोधी है, पार्टी है, उन्होंने विरोध किया मकान बनाने से। फिर पापा पुलिस गए, जब पापा पुलिस में गए तो उन्होंने पापा का चालान कर दिया। एक पार्टी से उनकी तरफ से भी ले गए, एक पापा को भी ले गए। फिर उसके बाद उनका चालान करने के बाद वो उनका जो छोटा बेटा है तेज प्रताप सिंह, जो फौज से रिटायर है, उन्होंने वापस आके मतलब कि दीवार तोड़ दी, और इसका वीडियो भी मेरे पास है। फिर पापा को जब दीवार तोड़ दी गई, शाम को पापा को छोड़ा गया। पुलिस के पास आप लोग जा रहे हैं क्या? पुलिस क्या कार्रवाई? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। 10/76/112 में भी हमने कॉल करी कि हमारी दीवार तोड़ दी गई, बस पुलिस उन्होंने आए और उनको डांटा गया, बस डांट दिया थोड़ा बहुत, बोले कि दीवार अपने उठा लो। और उठाने के बाद जैसे ही पुलिस गई तो उन्होंने दोबारा मतलब कि दीवार तोड़ दी पूरी। जमीन आपकी है, बनवा आप लोग रहे हैं, वो लोग दबंगई दिखा रहे हैं। जी जी।